नाउ रिसेंटली ये इमेजेस सामने आई हैं जिनको देखकर नेपाल में कई लोग चिंतित हैं। ये बेसिकली नेपाली वर्कर्स हैं जिनको हमास, जी हाँ, गाजा पट्टी में, यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसराइल के साथ में आपको दिख जाएगी गाजा पट्टी, यहाँ पर एक टेररिस्ट संगठन है हमास, इसने कई वर्कर्स को पकड़ रखा है। बताया जा रहा है नेपाल के जो एम्बेसडर हैं टू इसराइल, उन्होंने खुद कहा है कि 17 नेपाली वर्कर्स हमास ने पकड़ रखे हैं इसराइल में और इनको ये छोड़ नहीं रहे, ये इनको मोस्ट प्रोबेबली हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज को ये कहेंगे कि अगर हम पे अटैक करोगे तो जो ये फॉरन वर्कर्स हैं ये भी मारे जाएंगे। थैंकफुली अभी तक ये कोई रिपोर्ट नहीं आई कि इंडियन वर्कर्स हमास ने पकड़ लिए हैं। वैसे आपको बताना चाहिए भारत और नेपाल से कई वर्कर्स इसराइल में काम करने के लिए जाते हैं, तो कुछ वर्कर्स मोस्ट प्रोबेबली गाजा पट्टी के आसपास काम कर रहे होंगे, उनको पकड़ लिया गया है। तो ये देखिए एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ है, इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए उस पर अलग से वीडियो ले आऊँगा।